Hello, good morning student. Welcome to our online classes of Open Business School. कैसे हो आप सब लोग? बहुत दिनों बाद आज हम मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं. आज हम पढ़ाई शुरू करेंगे 9th क्लास की हिंदी विषय से. ओके, आई होप कि आप सब लोग उत्साह से खुशी खुशी पढ़ोगे और एकदम फ्री माइंड से अच्छे से समझेंगे, रिलैक्स होके. थोड़ा सा चैप्टर हार्ड है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, लेकिन ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा. हिंदी में आपकी जो कुछ शौकीन आपके पास वो होगी ये चीज होगी, इसमें काव्य खंड और गद्य खंड ये दो.
मानसरोवर रूपी हृदय में। यहाँ पर आत्मा कह रही है कि मेरा जो हृदय है मानसरोवर रूपी है और मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है कि परमात्मा जो है वो अपने अपने हृदय में हमें मिलता है। तो मैं अच्छी तरह से अपने जो ये मन चाहा है आत्मा के लिए कि मैं अपने परमात्मा का कीर्तन भजन करने में लगने में मन लगाने में व्यस्त हूँ और अब मेरा जो मिलन है परमात्मा से हो चुका है और मुझे परमात्मा से जब मिलन हो गया तो मेरे लिए जो सारी अवस्थाएं हैं वो मुझे प्राप्त हो गई है और अब बड़ी आनंद जारी। जब इस आत्मा का मनुष्य जीवन पूर्ण करने के बाद में जब हमारी मृत्यु हो जाती है और शरीर को मोक्ष मिल जाता है तो आत्मा का मिलन होता है परमात्मा से, आत्मा निकल करके परमात्मा में विलीन हो जाती है। उस अवस्था में आत्मा यह कहती है कि अब मैं अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहती, यानी कि मेरा जो मिलन है, मेरे जीवन का जो लक्ष्य था या मेरा अब मिलन हो गया है परमात्मा से, अब मैं फिर कहीं जीवन मरण चक्र में नहीं जाना चाहती और हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में मेरा मिलन हो गया, मैं यही रहना चाहती हूँ। ठीक है, दूसरी साथी देखिए, प्रेमी गुणन मैं फिर प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत कोई। प्रेमी गुणन मैं फिर, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि मैं आज तक उस इंसान को नहीं खोज पाया हूँ जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपने मतलब के मुझे समझे, मुझे प्यार करे, पसंद करे, यानी कि हर रिश्ते में कहीं ना कहीं एक स्वार्थ की भावना समाहित रहती है। ठीक है, एक अर्थ तो ये लगेगा, लेकिन आज तक मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला, यानी कि जो बिना अपने स्वार्थ के मुझे प्यार करे, मुझे समझ, मुझे समझे और मुझे अपनाए, ऐसा कोई मुझे सच्चा व्यक्ति नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब मैं इस प्रेमी को ढूंढ रहा था और वो प्रेमी मुझे मिल गया, उस दिन क्या हुआ, सब विश्व अमृत हो। विष का अर्थ है कि जो भी बुरी अवस्थाएं थी, जो भी मेरे दुख थे, जो भी मेरी तकलीफ थी, वो अब क्या हुआ, वो अमृत में, यानी कि वो सुख में परिवर्तित हो गई। एक तो ये शाब्दिक अर्थ है, मैंने आपको बता दिया। क्या आप ये कह सकते हो कि जो शिष्य है, जो सज्जन व्यक्ति है, जो प्रेमी है, जो परमात्मा को प्यार करता है, सारे मनुष्यों को अपना भाई मानता है, यानी कि ये पृथ्वी एक परिवार है और वो किसी में भेदभाव नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि मुझे अपने जैसा एक सज्जन व्यक्ति नहीं मिला, एक शिष्य एक गुरु को ढूंढ रहा है। आप इस अर्थ में अर्थ देखिए, प्रेमी ढूंढे स्वयं गुरु, मैं आज तक सही मार्ग में जो गुरु को ढूंढ रहा था लेकिन मुझे आज तक कोई सच्चा गुरु नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, लेकिन जब मैं जैसा गुरु ढूंढना चाह रहा था और वो गुरु मुझे मिल रहे हैं, उस दिन क्या हुआ, सब विश्व अमृत हो। मेरे जितने भी दुख दर्द थे, मेरे जितनी भी परेशानी थी, तकलीफ थी, वो सब अब अच्छी स्थितियों में परिवर्तित हो गई और मेरे अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। ठीक है, आपको आया समझ में? और तीसरा अर्थ आप बोली आत्मा परमात्मा का लगेगा। पहला प्रेमी जो आत्मा है वो हमेशा के लिए जब तक इस पृथ्वी के ऊपर जब तक अपना जीवन यापन कर रही थी तो वह कह रही थी कि मुझे यहाँ पर पृथ्वी पर जो है झूठ, कपट, अस्वार्थ, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा और मुझे आज तक कोई परमात्मा के गुणों को मनुष्यों को देख करके जन्म करते हैं, मुझे ऐसा कोई प्रेमी नहीं मिला जो एक मनुष्य का मनुष्य के रूप में सम्मान कर सके। लेकिन जब प्रेमी को प्रेमी मिले, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होगी, तब क्या हुआ, उस दिन उस जो जीवात्मा थी, उस जीवात्मा के जितने भी दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियां थी, वो सब सुख अवस्थाओं में परिवर्तित हो गई। पहला अर्थ लगेगा शाब्दिक, दूसरा अर्थ लगेगा गुड अर्थ जो आत्मा को परमात्मा से संबंधित होगा। आशा करते हो आपको समझ में आया होगा। तीसरा देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। ये जो हस्ती वर्ड आया है बच्चों, इसका अर्थ होता है हाथी। ठीक है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। अब आपको ये नहीं कहना कि ज्ञान प्राप्त करना है तो हाथी की जगह नहीं। ज्ञान को कैसा बताया गया है कि ज्ञान अपने आप में कोई सामान्य नहीं है। ज्ञान की वैधता कितनी है, जैसे कि हाथी जितना बड़ा पशु होता है, ज्ञान भी अपने आप में महान महत्व रखने वाला है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धुलीचा डाली। ये जो धुलीचा वर्ड आया है, इसका अर्थ होता है कालीन या चटाई। ठीक है ना, धुलीचा वर्ड में लिख देती हूँ कालीन या चटाई। आप देखिए, यदि आपको हाथी जैसा ज्ञान प्राप्त करता है, हाथी जैसा मतलब उसके आकार में नहीं, ज्ञान एक बड़ा रूप है अपने आप में। ज्ञान प्राप्त करना सहज नहीं है, आसान नहीं है, सरल नहीं है। यदि आपको हाथी रूपी ज्ञान प्राप्त करना है तब आपको कैसा रहना होगा,
पाया। हाथी के ऊपर बैठने के लिए कोई एक उसका जो होता होता है उसमें बैठते हैं तो काली में चढ़ाई छोड़ जाती है। तो शादी पर तो ये हो गया कि आपको हाथी के ऊपर चढ़कर बैठना है तो काली में बिछा करके बैठना होगा। दूसरा जो कूट है वो ये रहेगा हाथी जैसा मतलब ज्ञान जो है अपने आप में विशाल महत्व रखता है, अपार महत्व रखता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको सहज अवस्था में रहना होगा, घमंड अभिमान अहंकार त्यागना होगा और सहज अवस्था में नीचा लगा करके बैठना होगा, यानी कि सामान्य अवस्था में। ठीक है, जैसे चटाई एक सामान्य चटाई होगी उसी प्रकार से आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको बड़ा ही सहज और सरल अवस्था में रहना होगा। अंतिम पंक्ति देखिए, स्वांग रूप संसार है भूगत निज भाई। स्वांग का अर्थ समझते हो बच्चों, स्वांग का अर्थ होता है कुत्ता। ये जो स्वांग शब्द आया है इसका अर्थ होता है कुत्ता। ठीक है, स्वांग रूप संसार है। इस संसार को कबीर ने कैसा बताया है, जैसे कुत्ता है कुत्ता रूपी संसार। अब ध्यान से देखिए, पूरे संसार को कुत्ता बताने का अर्थ क्या है, जब कभी गली में हाथी आता है तो हाथी आता है तो हाथी बड़े आकार का होता है, कुत्ते उसके पीछे पीछे भौंकते हुए चलते हैं। जब हाथी गलियों में घूमता है या हाथी जब शहर में आता है तो कुत्ता उस हाथी के आकार को देख करके वो अपने आकार को और हाथी के बड़े आकार को देख करके हाथी को घूमता है। लेकिन क्या हाथी के ऊपर उस कुत्ते के घूमने का असर होता है, बिल्कुल नहीं। हाथी अपनी मस्ती में बढ़ता चल जाता है और कुत्ता वैसे ही घूमता रहता है और हाथी की महत्ता जो है महत्व घटती नहीं है। तो कबीर ने क्या कहा है कि जब आप इस अवस्था में पहुंच जाओगे, आप में जो है जीवन जीते जीते जो मनुष्य जन्म हमें मिला है कि हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए, किस प्रकार से हमें जीवन यापन करना चाहिए, यानी कि पूरे मनुष्य जीवन में ऐसे कार्य करो, छल कपट चोरी अभिमान नहीं, कि मरने के बाद जब आपकी आत्मा परमात्मा से मिले तब आपका मोक्ष हो जाए। तो आपको इतना ज्ञान जब प्राप्त आ जाए कि मुझे ऐसा जीवन यापन करना है कि मेरी आत्मा का मिलन हो परमात्मा से, तो वो हाथी रूपी ज्ञान होगा, यानी कि बड़े बड़ा जो उसका ज्ञान का महत्व है बड़ा होगा और वो सहज अवस्था में आपको प्राप्त होगा। और जब आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य की ओर चलोगे तो ये संसार क्या है ये आपको रोकेगा। संसार का काम है दुनिया का कि अच्छे काम करोगे तो वो आपके काम खींचेगा, आपको पीछे घेरेगा। तो संसार को कबीर ने कुत्ते के जैसा बताया है, हाथी चलेगा शहर में आके कुत्ता उसके पीछे घूमेगा, लेकिन कुत्ते के घूमने का हाथी के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो कबीर ये कह रहे हैं कुत्ते का उदाहरण देकर के, जब आप इस ज्ञान को प्राप्त कर जाओ कि मनुष्य जीवन जीते हुए हमें अच्छे अपने कर्म करने हैं ताकि मरने के बाद में क्या हो ये आत्मा परमात्मा में मिल जाए, तो दुनिया क्या करेगी, आपकी हंसी उड़ाएगी, आपका मजाक उड़ाएगी, आपकी टांग खींचेगी, ठीक वैसे ही जैसे कुत्ता हाथी के ऊपर घूमता है। लेकिन आपको क्या करना है, भूखे झक मारे उस कुत्ते को, यानी कि जैसे हाथी उस कुत्ते की ओर ध्यान नहीं
लेकिन यहाँ पर धरती में लोगों ने अलग अलग पक्ष विपक्ष बना लिए और एक परमात्मा एक ईश्वर के अलग अलग नाम रख लिए, कोई उसे भगवान कहता है कोई उसे अल्लाह कहता है, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ कि लोगों ने सब ग्रह बुला लो, जब यानी दुनिया बुलाने का होता है बुला दिया, सब लोग आकर के पक्ष विपक्ष में पड़ गए। ये कहा जाता है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है और 9 महीने जब माँ के गर्भ में होता है ना, उसकी जो स्थिति है बड़ी दयनीय होती है, वो माँ के गर्भ में पिंडा रहता हुआ रहता है, माँ के शरीर में मल मूत्र खून इत्यादि गंदगी के अंदर वो रहता है, हालांकि उसे माँ से पोषण भी मिलता है। तो वो जो बच्चा है उस स्थिति में भगवान को याद करता है और वो कहता है कि हे ईश्वर, तू यदि मुझे माँ के गर्भ से मुक्त करता है तो जैसे ही मैं मुक्त होऊंगा मैं निरंतर तेरे ध्यान उपासना करता रहूंगा, तो तू मुझ पर कृपा कर और मुझे माँ के गर्भ से इस गंदगी से यहाँ से बाहर निकाल। लेकिन जैसे वो माँ के गर्भ से बाहर आता है और फिर बड़ा होता है, तो ये दुनिया उसे कोई हिंदू बनाती है, कोई मुसलमान बनाती है, ये हमारा धर्म अच्छा है, हर व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाता है। तो कभी ये कह रहे हैं कि भगवान ने तो मनुष्य को मनुष्य बना के भेजा था, लेकिन आकर के वो पक्ष और विपक्ष में उलझ गया और उसके कारण क्या हुआ, सब पूरी दुनिया ने बुला दिया। किसे बुला दिया? उस परमात्मा को बुला दिया कि हमें किसने भेजा है, हम जीवन यापन करें, अच्छे कर्म करें, किसी का बुरा नहीं सोचे और एक अच्छा जीवन जीते हुए हमारा अंत हो, हमारी मृत्यु हो और फिर हमारा मिलन किससे हो, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। ये जो जिंदगी का लक्ष्य था उसको सबने बुला दिया। निर्पक कोई के हरि भजे सोई संत सुजान। निर्पक का अर्थ होता है निष्पक्ष, यानी कि किसी की भी साइड नहीं लेना, निष्पक्ष रहना। मैं तो हम हिंदू हैं, मैं हम मुस्लिम हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर एक ही है, इस बात को समझ लेना और निष्पक्ष बोल सके अपने हरि। हरि का अर्थ होता है ईश्वर, ये जो हरि वर्ण आया है इसका अर्थ होता है ईश्वर। भजे हरि उसकी उपासना करना, ध्यान देना इत्यादि, ठीक है। तो वो भी संत सुजान। कभी कहते हैं कि सुजान का अर्थ होता है या तो आप ज्ञानी मान लो या अच्छे चरित्र वाला मान लो, ज्ञानी पुरुष है या सज्जन पुरुष है या सभी अर्थों में जो साधु कहलाने योग्य है। साधु संत महात्मा कहलाने योग्य वही व्यक्ति है जिसने इस बात को समझ लिया है, किस बात को, कि ईश्वर एक है और उसे अलग अलग धर्मों में हमें नहीं बहना चाहिए, इन्हीं भेदभाव के अंदर हमें नहीं जाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें ईश्वर को एक ही मानना चाहिए। तो मैंने आपको आज 1, 2, 3 और 4 ये 4 शास्त्र समझाई है, इन शास्त्रों को आप बार बार पढ़ोगे, एक बार आप इसमें छोड़ दे लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं साधारण रूप में दोबारा आपको 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर वापस बताती हूँ। पूरे कार्यक्रम में शास्त्र में 2 अर्थ लगेंगे। पहला अर्थ होगा शाब्दिक अर्थ, यानी कि शब्दों के अनुसार अर्थ। मान लो तो एक झील है, सुवर सु यानी अच्छा, अच्छे पानी से भरी हुई है, वज नामक पक्षी है, केली यानी उखड़ा करता है, खेलता है, उस झील में उसे मुक्ता फल मोती रूपी जैसे फल मिलते हैं जिन्हें वो छूटता है। अब यहाँ से उड़कर वो अन्य से कहीं नहीं जाना चाहता, ये मैंने शाब्दिक अर्थ बताया। इसका दूसरा अर्थ लगेगा आत्मा और परमात्मा के संबंध में, कि जो आत्मा को पता चल जाता है कि परमात्मा का निवास कहाँ है, हमारे हृदय में, हमारे दिल में, और जब वो समझ जाते हैं और उसका जब एकाकार वो आत्मा परमात्मा में हो जाती है, जीवन मरण से मुक्त हो जाती है, तब वह कहती है कि मैं वापस परमात्मा से दूर होकर के कहीं नहीं जाना चाहती, हमेशा के लिए मेरा मोक्ष हो गया और वहीं उसे आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरे में आप गुरु और शिष्य का अर्थ लगाइए। जो शिष्य है वो कह रहा है मुझे आज तक कोई अच्छा गुरु नहीं मिला और मैं उसे उस प्रेमी यानी गुरु को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे मेरे सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी उस दिन मेरे सारे विश्व थे वो अमृत में बदल गए, और यहाँ विश्व का अर्थ करेगा जितने भी दुख तकलीफ परेशानी थी वो सारी अच्छी स्थितियों में सुख में परिवर्तित हो गई।